वैसे तो पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन आए दिन पत्रकारों के साथ अभद्रता व पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फंसाने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे ही एक मामला बाड़मेर जिले से सामने आया है, जहां कोसला राम निवासी जाखड़ू पत्रकार का एक उप स्वास्थ्य केंद्र बिसारणिया में 15 अगस्त को ध्वजारोहण नहीं करने व ममता कार्ड बनवाने के लिए ANM गंगा देवी रिश्वत लेने की खबर चलाना महंगा पड़ गया। और एक तहरीर थाना चौटन में भी पत्रकार ने दी थी। इस पर ANM गंगा देवी के पति ने कोसला राम को धमकी दी कि वह अपनी शिकायती पत्र वापस ले, नहीं तो उस पर बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। पत्रकार कोसला राम ने इसकी शिकायत थाना चौहटन में भी की। ASI नीलाराम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके बाद ANM गंगा देवी ने उसके खिलाफ बदसलूकी का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया और साथ ही आरोप लगाया कि उसने गंगा देवी से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी है। वहीं कोसला राम की शिकायत पर कार्रवाई ना करके उल्टा कोसला राम को ASI नीलाराम ने अपनी प्राइवेट गाड़ी से कोसला राम को गिरफ्तार करने की कोशिश की है। इस मामले में ASI अब किसी भी पत्रकार से बातचीत नहीं कर रहे। आपका नाम क्या है? कोसला राम। अच्छा, अब क्या समस्या है? हमारे ANM पोर्टल के लिए एसी केस पर कॉल की, मैं ममता कार्ड के लिए। अच्छा, उसने मेरे पास पैसे लिया। अच्छा, तो उसकी कार्रवाई नहीं की। इसके बाद में उसने पद चुनाव को बोला कि आप मुकदमे वापस ले लो, नहीं तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, उसके आपको अंदर बुला दूंगा। अच्छा, उसके बाद में आपने पुलिस कंप्लेंट की क्या? पर सर, मैं 17 तारीख के चोट कंप्लेन दर्ज करी। अच्छा, उसकी कोई कार्रवाई की चोट पुलिस ने कोई कार्रवाई की क्या? अच्छा, उसके बाद में आपने अच्छा, एक आज आपके खिलाफ क्या वो मुकदमा गंगा देवी ने करवाया, वो क्या अखबार में आई थी? अच्छा, 12 सितंबर को आपने रास्ता रोके क्या गंगा? नहीं, मैंने देखा नहीं उसको। अच्छा, मामला क्या झूठा है या बिल्कुल झूठा है? अच्छा, ठीक।